हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक सम मैजिक। तो भाई कुक सम मैजिक में आज मैं आपको बनाना बताऊंगी मात्र 2 बूंद तेल में बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस नाश्ता, वो भी बिना आटा, बिना मैदा और बिना सूजी के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसको लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यहां मैंने मूंग दाल ली है नाश्ता बनाने के लिए। मूंग दाल मैंने 1 कप या 1 कटोरी, जिससे भी आप नाप के लेना चाहें उससे ले सकते हैं। और इस मूंग दाल को मैंने अच्छे से 3-4 बार पानी से धो के 1 घंटे के लिए पानी में भिगाया है। 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगा दो, बस सफिशियंट है, इससे ज्यादा भिगाने की जरूरत नहीं है। इस दाल की यही तारीफ है कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। जैसे हम लोग कोई चना दाल वगैरह और कोई दाल लेते हैं तो उसको टाइम लगता है भीगने में भी और कुक होने में। और सबसे बड़ी चीज, ये दाल सबसे हेल्दी है, सबसे ज्यादा प्रोटीन है इसमें। तो इस दाल का नाश्ता बना के हम आज तैयार करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, ये मैंने भीगी हुई दाल है, इसका पानी निकाल के इसको एक साइड पे झाड़ के रख लेती हूँ। तो ये देखिए, ये सारी मूंग दाल का पानी निकाल के मैंने इस टाइप की छन्नी में इसको झाड़ के रख लिया है। थोड़ा सा 2 मिनट इसको ऐसे रहने देंगे तो देखो पानी अभी भी निकल रहा है। तो जो एक्सेस वाटर इसका सारा निकल जाना चाहिए, सारा पानी इसका निकल चुका है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो यहां मैंने एक मिक्सी जार लिया है, अब सारी दाल को हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ी थोड़ी करके सारी दाल मिक्सी जार में डाल देंगे, बस इस तरीके से। इसका जो पेस्ट बनाना है ना, हमें बहुत कम पानी का यूज करते हुए बनाना है, मतलब बस किसी तरह ये ग्राइंड हो जाए, जितना कम पानी हो सके उतना कम पानी लगे। तो यहां दाल सारी मैंने डाल दी मिक्सी जार में, उसके साथ मैं यहां डालूंगी ये 1 बड़ा चम्मच बेसन। ये दाल को बाइंड करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मूंग दाल में बाइंडिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, मतलब मुश्किल से बाइंड हो पाती है। तो ये बेसन डालना बहुत जरूरी है, ज्यादा नहीं डालेंगे, बस ये 1 चम्मच। इसके अलावा हम कोई मैदा, सूजी, आटा, किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे। तो बेसन यहां डाल दिया मैंने, इसी के साथ मैं डाल रही हूं यहां ये 1 बड़ा सा अदरक का टुकड़ा। और उसके साथ ही मैंने लिए यहां पे ये 2 हरी मिर्च, क्योंकि हमारे घर में जो है ना थोड़ा चटपटा ज्यादा खाते हैं। ये देखिए, दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से, अब दिखाती हूँ आपको। ये देखो, बस इस तरीके से ना, इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए दाल का। तो इस दाल को ग्राइंड करने में ना मेरा कम से कम 3 से 4 चम्मच पानी लगा है। जो हम खाना खाते हैं ना नॉर्मल वाली चम्मच, बस वही वाली 3 से 4 चम्मच पानी लगा है। तो आपको भी बस इसी तरीके से ग्राइंड करनी है कि जितना हो सके कम पानी का यूज करना है। तो चलिए इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। देखिए, सारी दाल को बढ़िया तरीके से बोल में निकाल देते हैं। बिल्कुल, ये देखिए, बस अब क्या करना है, हमें इस दाल को ना सिर्फ 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ऐसे विस्क करना है, बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्का सा 1 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से इसको विस्क करना है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनके तैयार होगा और बहुत क्विक है। मतलब एक बार आप बच्चों को बता देंगे ना तो बच्चे भी बना लेंगे इस नाश्ते को। कभी अगर आपको कहीं जाना हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि मेरे बच्चे नाश्ते में क्या खाएंगे। तो बहुत इजी नाश्ता है ये। ये लीजिए, दाल भी हमारी विस्क हो गई। तो दाल हमारी विस्क हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और साथ ही में डालेंगे बिल्कुल ये 1/4 से भी कम थोड़ी सी ये हींग। उसके साथ ही मैं यहां डाल रही हूं ये 1/2 चम्मच के आसपास बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर जो होता है ना, इसको इस वाली रेसिपी को बनने में बहुत हेल्प करेगा, तो इसको स्किप मत करना। बेकिंग पाउडर नहीं हो तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बेकिंग सोडा भी नहीं हो तो थोड़ा सा इनो का यूज कर सकते हो, पर इनो थोड़ा बेकिंग पाउडर से कम यूज करना है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका है, अब हमने यहां बेकिंग पाउडर का यूज किया है तो हम 1/2 नींबू का यूज करेंगे। नींबू से क्या होगा कि नींबू का रस इसमें डालेंगे ना तो जो बेकिंग पाउडर है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये जो नाश्ता हम बनाएंगे ना बहुत ही बढ़िया फ्लफी बनके तैयार होगा। तो नींबू डाल देती हूँ इसमें 1/2, बस ज्यादा नहीं, बस ये 1/2 लेमन जूस बहुत है। अब कर लेते हैं इसको भी मिक्स। बस ये हो गया बढ़िया तरीके से मिक्स हमारा, बहुत ज्यादा नहीं डालना, मिक्स करना है इसको बेकिंग पाउडर डालने के बाद। चलिए अब इसको रखते हैं साइड पे। ये अब यहां मैंने ये कुछ सब्जियां ली है,
बिल्कुल बेसिक सब्जी है घर की, प्याज है जिनको स्लाइस में काटा है, ये उबला हुआ आलू है इसको भी स्लाइस में काटा है, और ये है शिमला मिर्च इसको भी गोल गोल स्लाइस में काटा है। तो इतनी तैयारी हम करके रख लेते हैं, अब हम बनाते हैं हमारा नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के लिए यहां मैंने लिया है ये एक पैन, और यहां बिल्कुल मैं 2 बूंद घी का यूज करूंगी, घी या तेल जो भी आप यूज करना चाहें, बस ये देखिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टिश्यू से इस पे स्प्रेड कर देंगे बढ़िया तरीके से, बस इतना यूज करना है हमें। अब हम क्या करेंगे, एक बिल्कुल लेडल भर के इस पे डालेंगे तवे पे, पैन पे हमारे, इसको थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे इस तरीके से, बस बहुत पतला नहीं करना और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है, डोसे की तरह से घुमाते हुए ना बस इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। और साथ ही साथ में जैसे मतलब अभी ये बिल्कुल रॉ है, एकदम गीला गीला है, तो हम जो हमारी वेजिटेबल्स है ना इस पर अभी सेट करेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि बढ़िया से इस पर सेट हो जाएंगी, थोड़ी सी दब जाएंगी इसके साथ। तो इस तरीके से सारी वेजिटेबल्स हम सेट कर देते हैं, बस साथ में ये आलू भी डालते जाते हैं, इधर शिमला मिर्च रफली बिल्कुल अपने हिसाब से, जैसा डिजाइन आपको चाहिए आपके इस नाश्ते पे बस बिल्कुल उसी तरीके से, बस इस तरीके से आलू, ये देखिए शिमला मिर्च एक ही आई है, प्याज ज्यादा हो गए मेरे, इसको हटा देती हूँ, एक यहाँ शिमला मिर्च, और साथ में ये आ गया आलू, ये एक और भी आलू, बस इस तरीके से इसको सेट कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ सीजनिंग डालेंगे, तो यहां हम क्या करेंगे, यहां पर इस पे थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे बिल्कुल लाइट लाइट सा, और उसके साथ ही थोड़ी सी मैंने ये ब्लैक पेपर ली है, थोड़ी ये स्प्रिंकल करेंगे, उसके साथ में करेंगे इस पे रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है, करना चाहो तो करना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ये देखिए बस बिल्कुल लाइट लाइट सा, और साथ ही में इसमें एक मजेदार सा फ्लेवर लाने के लिए यहां मैं स्प्रिंकल कर रही हूं ये ऑरिगेनो, या पिज्जा सीजनिंग भी ले सकते हैं आप, बस हल्का सा ये स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसको सिकने देते हैं अच्छे से, चलिए ये हो चुकी है, सारा हमने स्प्रिंकल कर दिया, 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं, ये 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा के देखते हैं, और बढ़िया से मतलब बिल्कुल प्रिपेयर है मुझे लग रहा है हमारा ये मूंग दाल का नाश्ता, ये देखो बिल्कुल हल्का सा स्पैचुला लगाते ही बिल्कुल हिलने लग गया ये। अब धीरे से उठा के इसको ऐसे टर्न कर देते हैं, देखा कितना सुंदर सिखा है ना, इतना बढ़िया। अब हम क्या करेंगे कि हमने जैसे ये वेजिटेबल्स लगाई है ना पीछे, तो इसको ऐसे हल्का हल्का सा ना प्रेस करेंगे, ताकि क्या होगा कि वो भी थोड़ी सी अच्छे से सिक जाए, इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हैं और वेजिटेबल्स को सिकने देते हैं 1 मिनट के लिए, और इसको हम ढक लेते हैं। मिनट हो चुका है, अब इसका ढक्कन हटा के साइड पे रख देते हैं, अब थोड़ा सा आधा मिनट और हम इसको ऐसे खुला पकने देते हैं। तो चलिए आधा मिनट भी हो चुका है, अब इसको दोबारा से टर्न कर लेते हैं एक बार, भाई वाह क्या मजेदार कलर आया है, ये देखो जो आलू है हमारे वो भी सिक चुके हैं, प्याज हमारी कैरमलाइज्ड हो चुकी है, और शिमला मिर्च सॉफ्ट हो चुकी है, मजेदार सा सुंदर सा कलर आया है इसके ऊपर, ये हमारा नाश्ता बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग, और आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अब नाश्ता लगा लिया प्लेट में हमने, अब हम इसके 4 पीस कर लेते हैं पिज्जा कटर की हेल्प से, थोड़ा सा इजीली। तो ये लो जी हमने कर ली है इसको 4 पीस में डिवाइड नाश्ते को, और करी है इसकी प्लेटिंग। ये नाश्ता जो है ना बस केचप के साथ खाओ, चटनी के साथ खाओ, किसी भी चीज के साथ खाओ, बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत इंस्टेंट नाश्ता है। मतलब पहले भी मैंने ये बात बोली है, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि अपने बच्चों को सिखा देना, झंझट ही खत्म है, औरतों की तो टेंशन ही गई। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आपको प्लीज कमेंट में जरूर बताना, मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच, कुक सम मैजिक।